शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट में सेबी के प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। अब कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छोटे और मध्यम निवेशकों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि संसद में जैसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पहले परिसीमन होगा फिर विधानसभा चुनाव, चीजें उसी प्रकार चल रही हैं। बता दें कि अभी हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के हालातों का जायजा लेने के लिए गया था। महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाया। बता दें पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा की 288 में से 185 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। विपक्षी दल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हालांकि अभी महाभियोग लाने की आधिकारिक घोषणा किसी ने नहीं की है। बता दें कि राज्यसभा में के सभापति को हटाने के प्रस्ताव पर भले ही जरूरी 50 के बजाय 87 इंडिया ब्लॉक सांसद अपनी साइन कर चुके हैं। महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर नारियल और गोबर से हमला किया गया। इस हमले पर पार्टी के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इस हमले के लिए दिल्ली में बैठे अहमद शाह अब्दुली पर निशाना साधा। संजय राउत ने हमलावरों से कहा कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर के प्रावधान के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। बता दें केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि संविधान में एससी एसटी में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करार दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की है कि महिला पहलवान दिनेश फोगाट का राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाए और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि वर्तमान में राज्यसभा में 4 सदस्यों की सीट रिक्त पड़ी है। राष्ट्रपति की ओर से जल्द इन खाली सीटों के लिए मनोनीत किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार द्वारा नाम और भेष बदलकर विमान से यात्रा करने का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। नई दिल्ली में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में अजित पवार ने स्वीकार किया कि वो नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 10 बार मिल चुके हैं। इस मौके पर अजित पवार ने कहा था कि उन्होंने भेष बदलकर और नाम बदलकर विमान में यात्रा की है। महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले का फोन और व्हाट्सएप हैक हो गया है। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने अपने परिचित लोगों से अपील की है कि फिलहाल उन्हें कोई कॉल या मैसेज ना करें। सुप्रिया सुले ने इस संबंध में पुलिस से संपर्क किया है। पुलिस से शिकायत करने के बाद उन्होंने एक्स पर जानकारी दी है। शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने भारत में एक बार फिर खलबली मचा दी है। इस मामले में अब कैश फॉर क्वेश्चन मामले में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई और ईडी की जांच के घेरे में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर अडानी समूह पर निशाना साधा और सेबी से कई सवाल किए हैं।